कई दिनों की शांति के बाद भारत ने एक बार फिर से ब्रह्मोस मिसाइल दाग दी है। इस बार ये मिसाइल अरब सागर में दागी गई है। अरब सागर यानी पाकिस्तान यहां से ज्यादा दूर नहीं है। भारत ने इस बार ब्रह्मोस मिसाइल को वॉरशिप से दागा है। ये मिसाइल परीक्षण एक प्रिसीजन स्ट्राइक था, यानी जहां मारना था मिसाइल ने वहीं जाकर मारा। स्वदेशी ब्रह्मोस मिसाइल ने ध्वनि की 3 गुना रफ्तार से टारगेट को उड़ा दिया। इस मिसाइल को DRDO ने तैयार किया है। अब भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल दागी हो और धमाका ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। ब्रह्मोस मिसाइल ने अरब सागर में जैसे ही टारगेट को नष्ट किया, इसकी जानकारी पाकिस्तान में पहुंच गई। ब्रह्मोस मिसाइल का नाम सुनते ही पाकिस्तान की मीडिया और जनता में बवाल मच गया, क्योंकि ब्रह्मोस और पाकिस्तान का एक पुराना रिश्ता है। वो रिश्ता क्या है, एक बार इंटरनेट पर जाकर सर्च कर लीजिए। आपको बता दें कि भारत ने यह मिसाइल ऐसे समय पर दागी है जब पाकिस्तान ने आर्थिक संकट के चलते अपनी सेना और खुफिया एजेंसियों को खर्च में कटौती करने के लिए कह दिया है। पाकिस्तान की सेना के पास तो अपने जवानों को देने के लिए पैसे तक नहीं बचे हैं, और ऐसे में भारत परीक्षण पर परीक्षण करता जा रहा है। पाकिस्तान की जनता भारत के मिसाइल परीक्षण को देखकर अपनी ही सरकार को कोस रही है। भारतीय नौसेना ने जब इस सफल मिसाइल परीक्षण की जानकारी दी तो पाकिस्तान के लोग बौखला गए। एक पाकिस्तानी पत्रकार ने भारतीय नौसेना के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए लिखा कि भारत अपनी समुद्री सुरक्षा को लगातार मजबूत करता जा रहा है और पाकिस्तान अभी भी समुद्र में खोया हुआ है। इस पत्रकार के ट्वीट पर कई पाकिस्तानियों ने भारत की तुलना करते हुए पाकिस्तान पर ही गुस्सा निकालना शुरू कर दिया। एक यूजर ने लिखा कि हमारे पास पैसा कहां है, भारत के साथ हथियारों की रेस अब खत्म हो चुकी है, हथियारों की रेस का कोई मतलब नहीं बचा है। कई पाकिस्तानी लोग तो अपनी सरकार को ही ऐसी ऐसी गालियां दे रहे हैं जिनके बारे में यहां बताया नहीं जा सकता। कई पाकिस्तानी तो ऐसे भी थे जो घर से रोटी ढूंढने के लिए निकले थे, लेकिन जब उन्हें ब्रह्मोस मिसाइल के परीक्षण का पता चला तो वो रोटी को भूल गए और भारत को टक्कर देने की बातें करने लगे। अब चलिए, भारत ने जब ब्रह्मोस मिसाइल का परीक्षण किया है तो पाकिस्तानियों का थोड़ा डरना जरूरी भी है।